मामला बुलंदशहर के बुगरासी क्षेत्र के गांव जलालपुर का है, जहां आज विधायक और सांसद के अभद्र व्यवहार तथा 15 वर्षों से लंबित पड़े सुलेला जलालपुर को जोड़ने वाले 1200 मील लंबे मार्ग को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार किया गया। हालांकि चुनाव बहिष्कार की सूचना पर क्षेत्रीय प्रतिनिधि अपने साथियों को लेकर ग्रामीणों को मनाने के लिए गाँव पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों के सवालों के आगे विधायक साहब की एक न चली और विधायक देवेंद्र सिंह लोधी को अपने साथियों के साथ सुलेला गांव से बेरंग वापस लौटना पड़ा, जबकि क्षेत्रवासी अब की बार प्रत्याशियों से अच्छे खासे नाराज आ रहे हैं। हालांकि शाम के समय चुनाव बहिष्कार के चुनाव पर पहुंचे जिला प्रशासन की वोट करने की अपील पर कुछ लोग मतदान स्थान पर पहुंचे तथा अपने मत का प्रयोग कर वोट डाला। भैया, क्या नाम आपका? ललित कुमार। आज गांव सुलेला में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, क्या कारण है, किस लिए किया जा रहा है? जो भी हमारे माननीय सांसद जी हैं भोला जी, वे आते हैं गाँव में, आज तक तो आए नहीं। और हमारे 1200 मीटर की सड़क है, उसके लिए हमने कितनी बार कह लिया, उन्होंने आज तक सुना नहीं। लास्ट में कह दिया, अभी दूसरे गांव में आए थे, कि हमें सुलेला की वोटों की जरूरत ही नहीं है। सड़क की तो बात बहुत दूर की बात है, वोट मांगने के लिए नहीं आते। कोई दुख हो सुख हो किसी में नहीं आई। अब तो किसी फिक्र का आश्वासन नहीं है, किसी अधिकारी की बात हुई है। जब आए नहीं है तो आश्वासन कौन दे देगा? प्रशासन का कोई अधिकारी कोई नहीं आया। क्या मांगे हैं आपकी फिलहाल? हमारी ये सड़क की मांग है, सुलेला से जलालपुर की 1200 मीटर की सड़क है, यही बननी चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।